तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज मैं आप लोगों को इस नाइफ को देख लीजिए, इस किचन नाइफ को मैं अपनी उंगली के आर पार करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप देखते ही चौंक जाएंगे। और वीडियो पूरा देखिए अगर आपको ये मैजिक ट्रिक सीखनी भी है। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के मैजिक ट्रिक हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको छोटी सी चेतावनी दे दूं कि ये मैजिक ट्रिक थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है, तो बिना सीक्रेट जाने इसको घर पर ट्राई ना करें। और सीक्रेट जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए, तो मैं आपको सीक्रेट भी बता दूंगा। तो चलिए मैजिक ट्रिक स्टार्ट करते हैं। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में किचन नाइफ है, देख लीजिए। एक नॉर्मल किचन नाइफ ही सही पर बहुत ही शार्प है, देख लीजिए, ये कुछ भी कट कर सकती है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं अपने मिडिल फिंगर के आर पार करके दिखा देता हूँ। देखिए ये स्टार्ट करते हैं हम, देखिए, और एकदम नॉर्मल भी है जैसा कि आप लोगों को देख से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। ये एक, ये दो और ये तीन, देखिए अभी आप जैसा कि देख सकते हैं जो नाइफ थी वो मेरी उंगली के आर पार जा चुकी है, उंगली कट चुकी है, देखिए बीच में से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी उंगली जो वो आधी कट चुकी है, हमारी नाइफ जो वो आधी अंदर धस चुकी है, देखिए इसमें, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा ही होगा। देखिए जो एक नॉर्मल नाइफ थी मेरी उंगली के आर पार जा चुकी है, देखिए पूरा मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। तो गाइज ये थी वो आज की मैजिक ट्रिक, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसका सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो आप इसे घर पर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी वो आज की मैजिक ट्रिक, अब मैं आपको सिखाऊँ। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये आज की मैजिक ट्रिक और आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ अगर आप ये हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी मैजिक वीडियोज़ देख पाएंगे। तो चलिए अब सीक्रेट खोल ही देते हैं। तो गाइज यहाँ पे जादू में क्या था, मैंने अपनी उंगली जो वो कट कर दी, ठीक है। सच में कोई अपनी उंगली या अंगूठा कुछ कट करना नहीं चाहता। यहाँ पे जादू क्या होता है गाइज, बस थोड़ी सी स्पीड होती है और एक चीज़ जो होती है वो आप देख नहीं सकते, तो उससे ही मिलके जादू बनता है, ठीक है। और जादू जैसी कोई चीज़ असल में नहीं होती है, यहाँ पे बस ट्रिक्स ही होती है। तो अभी आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में ये किचन नाइफ थी जिसे मैंने अपनी उंगली के आर पार कर दिया। जैसा कि आप लोगों को देखा तो ये आप लोगों की आँखों का धोखा था, इसके पीछे एक सीक्रेट होता है। यहाँ पर एक चाकू है, देख लीजिए, एक नाइफ है जिसका मैंने गिनिक बना रखा है। देखिए किस तरह का है, तो कुछ इस तरह का है। देखिए देखिए दोनों तरफ नाइफ है, बीच में हैंडल है, देखिए, और यहाँ पे कट है जो हमारी उंगली के अंदर धस सकता है, देखिए कुछ इस तरह से। तो इल्यूजन क्या क्रिएट होता है, जो चाकू है वो अंदर धस चुका है, ठीक है। अब इसे परफॉर्म कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से छुपा के रखना है, देखिए कुछ इस तरह से मैंने चाकू को रखा था, देखिए ये है हमारा चाकू, ठीक है। ये एक, ये दो, और मिडिल फिंगर से यहाँ से जल्दी से धक्का देके, देखिए कुछ इस तरह से। अब भी यहाँ पर देखिए, ये एक, ये दो और ये तीन, देखिए तो लगता है ना ऐसा जो हमारी ये नाइफ है वो अंदर धस चुकी है, देखिए इस तरह से। तो गाइस इस तरह से आप इसे सिंपली कर सकते हैं, देखिए एक, ये दो और ये तीन, ठीक है। इस तरह से थोड़ी सी स्पीड रखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे और जिसे दिखाएंगे वो एकदम से चौंक जाएगा।